चलो, ये आज का हमारा दूसरा पार्ट होगा। प्रीवियस का जो वीडियो था, मैंने 2 दिन पहले मतलब के थर्सडे को जो मैंने अपलोड किया था, उसमें मैंने बता दिया था कि हमें कोई भी ब्लॉगिंग सिस्टम होती है जिसमें साइड बार में आर्काइव दिखता है, उसका जो कुछ भी लॉजिक होता है मतलब के मंथ वाइज उसे कैसे फैच करना है, कैसे डिस्प्ले करवाना है, वो बेसिक हमने कर लिया था, लेकिन जेक्वेरी से उसे हमने नहीं किया था। तो आज उसे जेक्वेरी से हम करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो उस वीडियो में मैंने बताया था, जैसे कि यहाँ पे मंथ है, ईयर है और आईडी है। जैसे कि यहाँ पे अगर एम मार्च पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देख सकते हैं M3 हो गया, Y 2017 हो गया। अब इस पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं उसकी जो कुछ भी डिटेल डिस्क्रिप्शन थी टेबल में वो आ गई है। तो उस मुताबिक आप अपना जो कुछ भी है वर्कआउट कर सकते हैं। तो अब जो जेक्वेरी का कन्वर्ट का कोड है, मैंने ऑलरेडी यहाँ पे डाउनलोड करके रखा हुआ है बेसिक कोड। चलो इसे मैं फिर से कॉपी कर लेता हूँ और आ जाता हूँ मेरे एडिटर में। और यहाँ पे आप फुटर में देख सकते हैं जेक्वेरी की जो भी डिफ़ॉल्ट बूटस्ट्रैप के साथ आने वाली फाइल है वो ऑलरेडी एडेड है। तो इसके बाद हमने जो कुछ भी एक्स्ट्रा कोड है वो लिखना है यहाँ पे। तो चलो जस्ट फॉर एन टेस्टिंग अभी मैं क्या करता हूँ, ये कुछ जो एक्स्ट्रा कोड है एजेक्स का, चलो वो मैं निकाल देता हूँ। सिंपली अभी क्या करेंगे, जो हम मंथ और ईयर पे क्लिक करते हैं वो हमें फेच हो रहा है नहीं, विथ हेल्प ऑफ जेक्वेरी। चलो वो सबसे पहले तो देखते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आ जाता हूँ साइड बार में, और साइड बार में मैंने ऑलरेडी थोड़ा सा कोड किया हुआ है। वो मैंने क्या किया हुआ है कि यहाँ पे डेटा एट्रीब्यूट निकाल दिया लिखा हुआ है। चलो मैं निकाल देता हूँ, मैंने कैसे लिखा हुआ मैं बता देता हूँ। सिंपली यहाँ पे सबसे पहले डेटा एट्रीब्यूट लिखा इज इक्वल टू सिंगल कोट मैंने किए, और HREF में ये जो मंथ और ईयर का जो लॉजिक था यहाँ तक का अप टू अ सिंगल डॉट का, वो ये सिंपली मैंने पेस्ट कर दिया है। तो अब हमें ये जो क्वेश्चन मार्क का जो कुछ भी डेटा है वो यहाँ से हमें निकाल देना है, ठीक है। चलो अब ये निकल गया, अब सिंपली हो गया है इंडेक्स डॉट PHP, ये भी हमें नहीं रखना है, ठीक है। तो इसे हमें लिखना है जावास्क्रिप्ट कॉलन वॉइड, मतलब कि क्या होगा कि ये पेज ये रिलोड होना होता है अपने आप, रिफ्रेश होता है, ये अब रिफ्रेश नहीं होता जावास्क्रिप्ट को वॉइड से। चलो अब ये हमारे पास डेटा आ गया है। अब हमारा चूँकि यहाँ पे क्लास, यहाँ पे देख सकते हैं लिस्ट ग्रुप आइटम, इसे मैं कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे फुटर में आ जाता हूँ और हैस निकाल देता हूँ क्योंकि वो आईडी के लिए होता है। और यहाँ पे क्लास लिख देता हूँ, उसमें कुछ चेंजेस नहीं कर रहे हैं, हम उस पर क्लिक करने वाले हैं। तो उसकी यहाँ पे मैं क्लिक इवेंट लिखता हूँ, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ डेटा इज इक्वल टू डॉलर दिस, मतलब कि जिस पे हमने क्लिक किया है उसका एक पर्टिकुलर एट्रीब्यूट, जिस जो पर्टिकुलर जो भी लिंक पे हमने क्लिक किया है उस पर्टिकुलर लिंक का एक स्पेसिफिक एट्रीब्यूट की वैल्यू, मतलब कि उसका डेटा चाहिए, और जो वो एट्रीब्यूट है वो डेटा नाम का एट्रीब्यूट है। तो यहाँ पे सिंपली मैं अलर्ट करके दिखा देता हूँ यहाँ पे हमें डेटा क्या मिल रहा है। चलो यहाँ पे मैं अपने ब्राउजर में आ जाता हूँ, यहाँ पे फिर से मैं रिफ्रेश करता हूँ, यानी पुराने वाला मैं सबसे पहले तो निकाल देता हूँ। देखिए यहाँ पे रिफ्रेश नहीं होना चाहिए पेज, वो हमें नोट करना है। देखिए यहाँ पे एम और वाई दोनों वैल्यू मेरे मिल गई और पेज यहाँ पे रिफ्रेश नहीं हुआ। चलो फेब्रुआरी की वैल्यू भी मिल गई, मार्च की, मतलब कि अब हमें मंथ और ईयर दोनों मिल रहा है। लेकिन अब दिक्कत क्या है कि हमें जो डेटा सेंड करना है वो इन अ जेक्वेरी, वो एम्परसन और इक्वल टू के फॉर्मेट से सेंड नहीं करना है हमें। तो उसके लिए मुझे इन दोनों डेटा को सबसे पहले तो स्प्लिट करना होगा। तो स्प्लिट लाइब्रेरी फंक्शन ही जावास्क्रिप्ट में वो अवेलेबल है, वो सिंपली उसे ही मैं यूज़ करने वाला हूँ। चलो हमें किसके टाइटल्स चाहिए, तो मुझे चाहिए डेटा में से स्प्लिट करने के बाद बीच में जहाँ पे एम परसन आ रहा है, मतलब कि एम इक्वल टू 3 आ रहा है। यहाँ पे देखिए देखिए एम इक्वल टू 2 एम परसन ईयर, सभी में एम पर्सन बीच में मैंने फिक्स रखा हुआ है। देखिए यहाँ पे देख सकते हैं, देखिए ठीक है। तो वो मुझे एम पर्सन सबसे पहले तो डेटा को स्प्लिट करना है। तो यहाँ पे मैं अलर्ट करता हूँ और टाइटल्स, देखिए यहाँ पे सबसे पहले मान लो मैं 0 को अलर्ट करवाता हूँ। ये एरे बनता है जब हम टाइटल्स में करते हैं तो कन्वर्ट। देखिए यहाँ पे एम इक्वल टू 05, एम इक्वल टू 02, अप्रैल में एम इक्वल टू 04, ठीक है। तो ये स्प्लिट फंक्शन क्या करता है, स्पेसिफाइड वैल्यू से वो स्ट्रिंग को इन एरे स्प्लिट कर देता है। तो हमारी फर्स्ट एरे की वैल्यू और सेकंड एरे की वैल्यू जो होगी वो वाई बट ओबीएस से होने वाली है। तो अब मैं क्या करूँगा, एक दूसरा लाइब्रेरी फंक्शन आता है ईवेल। ईवेल क्या करता है कि जो हमारी स्पेसिफाइड स्ट्रिंग होती है वो जावास्क्रिप्ट में इवेल्यूएट, मतलब कि एग्जीक्यूट कर देता है। तो अब मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, ईवेल
टाइटल्स की जो फर्स्ट एरे वैल्यू है वो इसे ही कॉपी करता हूँ और एरे की जो सेकंड वैल्यू है वो। अब यहाँ पे देखिए मैं क्या लिखता हूँ, यहाँ पे मैं अलर्ट लिखता हूँ, अलर्ट एम, ठीक है, सिंपली एम, मतलब कि एम इक्वल टू 03 जो हो रहा था वो अपने अब डायनामिक वेरिएबल इसे मैं क्रिएट कर देगा। चलो अभी अलर्ट वाई और एम मैंने किया है, फिर से यहाँ पे मैं रिफ्रेश करता हूँ, एपिसोड मुझे मिल जाए। देखिए यहाँ पे एम इक्वल टू 05 तो स्टेटमेंट था, इवेल की मदद से हमने उसे एवेल्यूएट किया और एम वेरिएबल हमने बना दिया और उसकी वैल्यू हमने अलर्ट करवाई 5, और y इक्वल टू 2017 था वो इवेल की मदद से यहाँ पे ऑन अ लाइन नंबर 27 पे उसे हमने एग्जीक्यूट करवाया और वेरिएबल बनाया y इक्वल टू 2000 और यहाँ पे अलर्ट y हमने करवाया, तो इसलिए यहाँ पे हमने 2017 मिल गया। चलो अब आगे का एजिक्स का जो कुछ भी कोड है उसे मैं करता हूँ। जैसे कि मान लो कुछ हमारे पास डेटा नहीं है तो रिटर्न होना चाहिए, और यहाँ की पोस्ट की एंड सक्सेस का जो कुछ भी कोड है वो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ। अब ये अलर्ट है वो मैं निकाल देता हूँ, ठीक है, अब यहाँ पे आ गया। चलो अब मेरे पास सपोज डेटा नहीं है तो मुझे इफ़ कंडीशन लिखनी है, अब हमारे पास m इक्वल टू empty है या फिर और y डबल इक्वल टू डेटा कुछ मेरे पास नहीं है तो मेरी जो कुछ भी है वो रिटर्न हो जाना चाहिए। चलो अब एजेक्स का जो कुछ भी कोड है वो, चलो एजेक्स की पोस्ट मेथड टाइप रखेंगे, चलो यहाँ पे URL में हम लिखेंगे गेट टाइटल्स डॉट पी एच पी, ये पेज हमें कॉल करवाना है, ठीक है, गेट टाइटल्स डॉट पी एच पी, और डेटा जो हमें सेंड करवाना है वो दो करवाने हैं, m कॉलन m और कोमा y कॉलन y, ठीक है, ये डेटा दो सेंड होने वाले हैं, टेक्स्ट डेटा टाइप होने वाली है। चलो रिजल्ट वाला जो स्टेटमेंट है अभी मैं कमेंट कर देता हूँ और यहाँ पे गेट टाइटल्स का एक न्यू पेज मैं बनाता हूँ। चलो यहाँ पे मैं सिंपली क्या करता हूँ, जो हमारी वैल्यू यहाँ पे ट्रांसफ़र होगी, ठीक है, वो यहाँ पे सिंपली मैं प्रिंट अंडरस्कोर आर से यहाँ पे डिस्प्ले करवा देता हूँ विद हेल्प ऑफ रिक्वेस्ट वेरिएबल। रिक्वेस्ट वेरिएबल आपको शायद मालूम होगा कि वो गेट मेथड हो या पोस्ट मेथड हो दोनों में वो चलता है, तो इसलिए मैं अभी रिक्वेस्ट लिख रहा हूँ। चलो यहाँ पे अब इसे मुझे सेव करना है गेट टाइटल्स, चलो हमने सेव कर दिया है गेट टाइटल्स डॉट पी एच पी। नेटवर्क में मैं फिर से आ जाता हूँ और यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, देखिए यहाँ पे गेट टाइटल्स में ग्रीन आइकॉन आया, मतलब कि जो पेज हमारा सक्सेसफुली कॉल हुआ है। अब इस पर मैं सिंगल क्लिक करता हूँ कि यहाँ पे आप देख सकते हैं नो हेडर्स फॉर दिस रिक्वेस्ट, और पैरामीटर में यहाँ पे देख सकते हैं आप एम और 2017 दोनों डिस्प्ले ट्रांसफ़र हुआ है एज अ पैरामीटर डेटा, और यहाँ पे मुझे जो आउटपुट में मिला था वो क्या मिला था वो यहाँ पे आप देख सकते हैं, पूरा का पूरा जो एरे था वो यहाँ पे डिस्प्ले हुआ है, मतलब कि ठीक से उस पेज में डेटा है वो जा रहा है। तो वो जो जा रहा है मतलब कि हमारे पास मंथ और ईयर उस पेज में अवेलेबल है, तो अब मुझे क्या करना है, वो जो हमारा कल का दो दिन पहले का जो यहाँ का जो कुछ भी कोड है, ठीक है, वो यहाँ पे से मैं कट कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं इन अ गेट टाइटल्स के पेज में उसे मैं पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है, कंट्रोल ए करके पेस्ट। अब कोई भी हमें चेंज नहीं करना है, क्यों नहीं चेंज करना है, क्योंकि यहाँ पे एस्ट्रिक मैंने लिखा है और कल के जो एम वेरिएबल थे और वाई वेरिएबल थे वो अपने आप को कन्वर्ट हो जाएंगे, इको भी अपने आप हो जाएगा, बस अब डिस्प्ले करने का जो टेक्निक है वो मैंने चेंज किया है। अब गेट टाइटल से जो कुछ भी डेटा आएगा वो यहाँ पे रो वेल नाम के क्लास में डिस्प्ले होना है, और बेहतर ये रहेगा यहाँ पे मैं आईडी लिख देता हूँ टाइटल्स, तो यहाँ पे मुझे वो जो कुछ भी डेटा है वो डिस्प्ले करना है, तो यहाँ पे मैं फुटर में आ जाता हूँ, ये जो कमेंट की थी वो निकाल देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे टाइटल्स पर सिंपली मुझे इतना करना है और यहाँ पे रिजल्ट डेटा जो आ रहा है वो मुझे यहाँ पे डिस्प्ले करवाना है ना HTML। चलो फिर से यहाँ पे मैं एक बार रिफ्रेश करता हूँ और यहाँ पे देखिए मैंने क्लिक किया है, चलो ठीक से क्लिक हुआ है या नहीं देख लेते, यहाँ पे रिस्पॉन्स कुछ नहीं आ रहा है, ओके आई गॉट द एरर। जो एरर है वो क्या है कि अब हमारा पेज चेंज हो गया है, तो इसलिए मुझे यहाँ पे इंक्लूड करवाना होगा, इंक्लूड कनेक्ट डॉट पी एच पी। चलो अब यहाँ पे फिर से मैं एक बार रिफ्रेश करता हूँ और चलो देखते, क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे जो
तीनों टाइटल थे मेरे पास अब अवेलेबल है विथआउट रिफ्रेशिंग द पेज। यहाँ पे देख सकते हो ऊपर यूआरएल में अभी कुछ नहीं आ रहा, और यहाँ पे गेट टाइटल्स में देख सकते हर बार एक दूसरा डेटा मुझे कॉल हो रहा है। चलो यहाँ पे एक बार मैं फिर से रिफ्रेश करके दिखाता हूँ। यहाँ पे आपको नोट करना है, ठीक है, राइट हैंड बार में देखिए ये, यहाँ पे मैं फेब्रुवरी पे क्लिक करता हूँ तो देखिए ये फर्स्ट टाइम गेट टाइटल कॉल हुआ, सेकंड टाइम, थर्ड टाइम, और यहाँ पे अभी मैंने मार्च पे क्लिक किया था तो यहाँ पे आप देख सकते हैं M33 year 2017 वो कुछ मुझे रिस्पॉन्स मिला है और यहाँ पे वही डिस्प्ले हुआ है। अब ये फिर से सिंपल है, यहाँ पे क्लिक करूँगा तो वही पुराना वाला हमारा यूआरएल वाला कोड जनरेट हो रहा है, ठीक है, तो ये भी मुझे चाहिए नहीं, ठीक है, ये जो कुछ भी डेटा है उसी जगह पे रहना चाहिए, तो चलो उसे भी हम सेट कर देते हैं। तो अब ये फिर से हमारे आ जाता हूँ इंडेक्स के पेज में। अब ये जो डेटा है आईडी वाला इसे मैं कट कर देता हूँ और एक दूसरी में फाइल बनाता हूँ, यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया और यहाँ पे मुझे फिर से इंक्लूड लिखना है जैसे कि मैंने प्रीवियसली नहीं लिखा था और बाद में एरर मैंने सॉल्व की थी, ठीक है, इंक्लूड कनेक्ट डॉट पी एच पी हो गया। और इसे मैं आर्टिकल जो हमारा फाइनली आ रहा है डेटा आर्टिकल डॉट पी एच पी की नाम से मैंने सेव कर दिया। इंडेक्स को यहाँ पे आके यहाँ पे मैं आईडी दे देता हूँ उसका आर्टिकल, मतलब कि यहाँ पे मुझे डेटा जो कुछ भी है वो डिस्प्ले करवाना है। चलो अब मैं फुटर में आ जाता हूँ। अब इस बार जो हम जो क्लिक करेंगे जो साइड बार की जो क्लिक इवेंट थी उसमें हम क्लिक नहीं करने वाले, अब बल्कि कहाँ पे क्लिक करने वाले, यहाँ पे जो हमने इंडेक्स की जो कुछ भी यूआरएल बनाई है यहाँ पे क्लिक करने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे गेट टाइटल में आ जाता हूँ और यहाँ पे टाइटल में फिर से मुझे डेटा लिखना है, ठीक है। अब इस बार जो कुछ भी डेटा होगा आई थिंक इस बार मुझे सिर्फ आईडी ही चाहिए, दूसरा कुछ मुझे रिक्वायर्ड नहीं है, तो यहाँ पे वही मैं कॉपी करूँगा, यहाँ पे वो मैं डेटा वाला पोर्शन प्रेस कर दूँगा, एच आर ई एफ में जो कुछ भी लिखा है वो सब निकाल के अब आ जाएगा सिंपली जावास्क्रिप्ट कॉलन वॉइड और यहाँ पे ज़ीरो। अब जो मिस्टेक है वो चलो करेक्ट कर लेते हैं। चलो आई थिंक अब वो हो गई जो आई डी इक्वल टू, ओके यहाँ पे आई डी इक्वल टू अब नहीं आएगा क्योंकि हम जेक्वेरी पे वर्क करेंगे, यहाँ पे सिंपली चलो लगते हैं आई डी इज इक्वल टू, चलो आई डी इज इक्वल टू कुछ नंबर जावास्क्रिप्ट वॉइड और ये गलती जो अब है वो क्या है, ओके यहाँ पे डबल कोट आएंगे, चलो अब हो गया है। अब यहाँ पे मैं फिर से रिफ्रेश करता हूँ और यहाँ पे क्लिक करने के बाद इस पर्टिकुलर एलिमेंट को इंस्पेक्ट करने के बाद यहाँ पे अब दिखाता हूँ क्या हो रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं आई डी इज इक्वल टू वन हो गया और जावास्क्रिप्ट कॉल एंड वॉइड वन हो गया, मतलब कि अब इस पर जब मैं क्लिक करूँगा तो ओके ये कहाँ गया, जावास्क्रिप्ट ओके जावास्क्रिप्ट का जो स्पेलिंग है वो गलत है यहाँ पे, चलो एक बार फिर से मैं रिफ्रेश करता तो जो अभी पेज की एरर आई थी नॉट फाउंड की वो नहीं आनी चाहिए। चलो अब ठीक से चल रहा है, ठीक है, देख सकते हैं अब वही जो हमारा फुटर वाला कोडिंग था, ठीक है। अब ये जो इवेंट का पूरा यहाँ पे एंड इवेंट का कोड है मैं सिंपली यहाँ पे पेस्ट करूँगा, ठीक है, अगर आपको दिख नहीं रहा तो मैं पहले सबसे पहले थोड़ा पेज को स्क्रॉल कर देता हूँ, ठीक है, अब यहाँ पे मैं उसे पेस्ट करता हूँ, चलो पूरा का पूरा कोड आ गया। अब इस बार जो मैं क्लिक कर रहा हूँ कहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ वो है गेट टाइटल्स में, उसका कुछ आईडी मेरे पास नहीं है तो मैं यहाँ पे क्लास लिख देता हूँ टाइटल्स, ये सब टाइटल्स है मेरे, ठीक
है, अब यहाँ पे मुझे क्लिक की मैन फायर करनी है ऑन द टाइटल, और यहाँ पे फिर से आ जाता हूँ फुटर में, कुछ ज़्यादा चेंज नहीं करना है, सिंपली मुझे यहाँ पे अब लिखना है टाइटल्स, वही डेटा एट्रीब्यूट चाहिए, अब स्प्लिट करवाने की ज़रूरत नहीं क्योंकि मेरे पास अब आईडी एक ही है और जो डेटा है सिंपली उसे ही मैं डायरेक्टली इवेल्यूएट करवा पाऊंगा, क्योंकि आईडी इज इक्वल टू 1, आईडी इज इक्वल टू 2, कुछ ऐसा ही डेटा होगा। अब मान लो मेरे पास आईडी में कुछ डेटा नहीं है तो आगे कुछ कोडिंग है वो रन नहीं होना चाहिए। जो पेज कॉल करवाना है अब टाइटल नहीं है, गेट आर्टिकल है, तो उस पेज में मुझे कोड करना है। ओके, गेट आर्टिकल नहीं बनाया है, पेज नेम मैंने सिंपली आर्टिकल बनाया तो उसका मैं बाद में नेम रीनेम कर देता हूँ। और यहाँ पे मुझे अब डेटा जो सेंड करना है वो सिंपली आईडी है, ठीक है। अब वाई का जो डेटा है मुझे सेंड नहीं करना है। अब जो डिस्प्ले होने वाला है वो कहाँ पे होने वाला है, यहाँ पे इंडेक्स में देखिए, इंडेक्स में मैंने उसका आईडी दिया है आर्टिकल्स, तो यहाँ पे फुटर में वही आएगा, ठीक है। अब ये जो पेज नेम है मुझे रीनेम करना है, यहाँ पे रीनेम, आगे मुझे लिखना है गेट आर्टिकल, यहाँ पे फुटर में देखिए गेट आर्टिकल, दोनों का स्पेलिंग सेम होना चाहिए, ठीक है। अब फिर से आ जाता हूँ गेट आर्टिकल में, और यहाँ पे मुझे एक स्टेटमेंट ऐड करना होगा एस्ट्रिक, क्योंकि पहले मैंने दूसरी बार इसलिए नहीं किया था कि दोनों एक ही पेज में कोड था, तो एक बार जो ऊपर मैंने किया था फर्स्ट पोर्शन में और दूसरे पोर्शन में, बट अपने आप हो जाए होने ही वाला था, तब दोनों पेज अलग है, डिफरेंट है, इंडिपेंडेंटली वर्क कर रहे, तो अब इस बार मुझे रिक्वेस्ट यहाँ पे एक्सट्रैक्ट करवाना होगा। चलो अब मैं रिफ्रेश करता हूँ, यहाँ पे मार्च पे मैंने क्लिक किया, यहाँ पे मैंने क्लिक किया, तो चलो कुछ एरर है तो यहाँ पे आ जाते हम, ओके ये नेटवर्क मॉनिटर में, यहाँ पे पैरामीटर्स में, ओके गेट टाइटल का ही पेज कॉल हो रहा है, फुटर में, एक अलर्ट यहाँ पे रख देता हूँ तो मालूम हो जाए हमारी कुछ गलती है तो कहाँ पे। चलो यहाँ पे मैं सेव किया, यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ, देखिए यहाँ पे अलर्ट ही नहीं हो रहा है। चलो जो एरर थी वो क्या थी, यहाँ पे मैंने जो डायरेक्टली क्लिक की मैंने यहाँ पे लिखी थी ये नॉर्मल मेथड, वो यहाँ पे मैंने चेंज कर दी है, ठीक है। और ये चेंज करने का रीज़न ये था क्योंकि जो हमारा डेटा था जो हम टाइटल्स के नेम फेच करवाते थे वो डायनामिकली कॉल हो रहे थे, और जेक्वेरी की एक लिमिटेशन है कि अगर कोई भी डेटा अगर हम डायनामिकली लोड करवाते हैं तो उसकी इवेंट की जो टेक्निक होती है लिखने की ये चेंज हो जाती है। यहाँ पे डायरेक्टली जो हम क्लिक फंक्शन वो लिख रहे थे वो ऐसा नहीं होगा, ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है उस मुताबिक मुझे लिखना है, और बस एक ही मैंने वो चेंज किया है, दूसरा जो मैंने कोड किया था वो कोई भी मैंने चेंज नहीं किया है। और यहाँ पे चलो रिफ्रेश करके मैं दिखा देता हूँ, चलो यहाँ पे मैं क्लिक किया और यहाँ पे आप देख सकते हैं जो डेटा था अब डायनामिकली कॉल हो रहा है, ठीक है। अब मान लो मैं फेब्रुवरी में जाता हूँ तो यहाँ पे फेब्रुवरी का टाइटल आ गया है और यहाँ पे वो डेटा है, और यहाँ पे भी वो देख सकते हैं आप, यहाँ पे एक फिर से हम टाइटल अगर दिखा दे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि क्या डेटा डिस्प्ले हो रहा है वो कुछ ठीक से समझ नहीं आ रहा है। और इको डिस्क्रिप्शन के साथ इको यहाँ पे H4 टैग में यहाँ पे $row टाइटल, और यहाँ पे मैं H4 टैग को कंप्लीट कर देता हूँ सेमी कोलन करके, यहाँ पे रिफ्रेश करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमारा जेक्वेरी कोड है वो डायनामिकली लोड होने वाला है। देखिए यहाँ पे अब वो हो गया है, तो अब कौन सा डिस्प्ले हो रहा है वो ठीक से मैं मालूम होगा, देखिए। और चीज़ अगर आप करना चाहे तो एक और चीज़ कर सकते हैं, यहाँ पे इको स्पान स्टाइल फ़ॉन्ट
साइज 10 पिक्सल, कलर ग्रे, ठीक है। और यहाँ पे सिंगल कोट कंप्लीट कर देता हूँ, यहाँ पे आ जाएगा डेट, और डेट का यहाँ पे जो कुछ भी हम यहाँ पे फॉर्मेट लिखना चाहते हैं वो यहाँ पे लिख सकते हैं, जैसे कि डी एस वाई और कोमा एस टी आर टू टाइम डॉलर रो, और यहाँ पे अपलोड फील्ड नेम हमने रखा हुआ है वो फील्ड नेम, और यहाँ पे आखिर में मैं स्पान को कंप्लीट कर दूंगा, ठीक है। यहाँ पे सेव किया और यहाँ पे मैं रिफ़्रेश करता हूँ, रिफ़्रेश नहीं करने की ज़रूरत थी, चलो मैं फिर भी मैंने गलती से कर दिया। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ओके फर्स्ट यहाँ पे एक बी आर लिख देता हूँ, और फ़ॉन्ट्स बहुत ही छोटे हो गए, तो यहाँ पे मान लो यहाँ पे मैं 12 कर देता हूँ, और आई थिंक जे है फॉर डिस्प्लेइंग द मंथ, ओके हो गया। देखिए एस टी ये तो सफिक्स है, ये निकाल देता हूँ, डी एम वाई सिंपली। यहाँ पे आप देख सकते हैं नीचे फुटर में डेट भी अब मैंने दिख दिए, यहाँ पे अपलोड डेट कौन सी डेट पे वो हुआ था अपलोड, यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने फॉर्मेटिंग ठीक से नहीं किया है, तो यहाँ पे आप अपने मुताबिक जो कुछ भी फॉर्मेट करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। और ये एस टी आर टू टाइम किया लाइब्रेरी फंक्शन है कि जो कुछ भी हमारी स्ट्रिंग होती है यहाँ पे अपलोडेड में जो हमारी डेट है उसे इन डेट में कन्वर्ट करके उस मुताबिक के फॉर्मेट में हमने उसे सिंपली डिस्प्ले किया है। तो बस इतना ही, वीडियो का डिस्क्रिप्शन एक बार देख लीजिए, यहाँ पे डाउनलोड लिंक भी आपको मिल जाएगी और मेरी दूसरी यूट्यूब चैनल है उसकी भी लिंक मिल जाएगी। वीडियो को शेयर और प्लीज़ लाइक कर दीजिए, बस इतना ही मैं कहना चाहूँगा, और तो कुछ नहीं। कॉमेंट में साथ में ये भी आप लिख सकते हैं, आगे उसमें कुछ भी अगर ऐड करना चाहते हैं तो हो सकेगा तो मैं ऐड कर दूँगा, आपकी जितनी हो सके प्रैक्टिकली हेल्प करने की कोशिश करता रहूँगा। तो इतना ही, वीडियो पूरा देखा आपने यहाँ तक, इसका धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत।